मनोज कुमार ने बॉलीवुड में अपनी अलग ही छवि बनाई है। उन्होंने देशभक्ति से जुड़ी कई सारे फिल्मों में अभिनय किया है। 1937 में जन्म अभिनेता ने 20 वर्ष की आयु में बॉलीवुड में फिल्म फैशन से डेब्यू किया था, जिसे वे स्वयं अपनी पसंदीदा फिल्म मानते हैं। मनोज कुमार राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में भी गजब का अभिनय किया है। फिल्म कांच की गुड़िया में उन्होंने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई। मनोज कुमार ने शशि गोस्वामी से विवाह किया है, जिनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। मनोज कुमार न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता हैं, बल्कि निर्देशक एवं फिल्म निर्माता के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म उपकार के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। दिग्गज अभिनेता इस वर्ष अपना 84वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर चले जानते हैं उनसे जुड़ी रोचक बातें। एक समय ऐसा था जब लोग मनोज कुमार को भारत कुमार ही कहने लगे थे। इसके पीछे वजह ये थी कि अधिकतर फिल्मों में उनके किरदार का नाम भारत था, हालांकि उनका वास्तविक नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था, लेकिन वो दिलीप कुमार और अशोक कुमार से प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा। मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 10 वर्ष की आयु में वे परिवार के साथ एबटाबाद पाकिस्तान छोड़कर भारत विभाजन के समय भारत आए। कुछ समय परिवार के साथ विजयनगर के किंग्सवे कैंप में शरणार्थियों के रूप में रहे और बाद में दिल्ली आ गए। मनोज कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी उनकी फिल्मों को पसंद किया करते थे। उपकार फिल्म की प्रेरणा उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान से मिली थी। मनोज कुमार ने फिल्म फैशन से कैरियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक 80 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। वर्ष 1965 में मनोज कुमार ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म शहीद में काम किया था, जिसके बाद उनकी छवि एक देशभक्त की बन गई थी। मनोज